साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष भी मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में यूपी निकाय चुनाव पर मंथन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा के घर पर जो है ये बैठक चल रही है, निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। साथ ही साथ G20 सम्मेलन को लेकर भी इस बैठक में जो है चर्चा की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष भी मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घर पर यह बैठक चल रही है। जिस तरह से मैनपुरी, रामपुर और खतौली के रिजल्ट की अगर बात करें तो मैनपुरी और खतौली पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। कुछ ही दिन पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने रिपोर्ट जो है जब जेपी नड्डा को सौंपी थी। विकास इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ये बैठक शुरू हो चुकी है, कौन कौन लोग इसमें मौजूद है, साथ ही साथ किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा संभव? देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास से बैठक हो रही है और ये बड़ी बैठक है क्योंकि इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं, पार्टी के संगठन मंत्री बीएल संतोष भी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच गए हैं, योगी आदित्यनाथ तो हैं ही हैं। देखिए कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इस बैठक में चर्चा होनी है, खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए उसके परिणाम आए उसकी समीक्षा इसमें होगी। साथ ही जो निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, बीजेपी उसे काफी महत्वपूर्ण मान रही है 2024 के लिए, तो निकाय चुनाव में पार्टी की क्या रणनीति हो, किस तरीके से पार्टी आगे बढ़े, उस पर मंथन होना है। साथ ही ये मिशन 2024 जो है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर के बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई है, क्योंकि बीजेपी की रणनीति है कि 2024 में भी उत्तर प्रदेश की जो सभी सीटें लोकसभा की बीजेपी जीते, मिशन 80 रखा है बीजेपी ने, तो उसको लेकर के भी चर्चा इस अहम बैठक में होगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी आई है कि एजेंडे में सबसे ऊपर जो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव हैं उसको लेकर के इसमें मंथन होगा, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि निकाय चुनाव में कहीं कोई कमी हो या गड़बड़ी हो जिससे पार्टी को नुकसान हो, और पार्टी ये मानती है कि निकाय चुनाव में अगर नुकसान होगा तो उसका असर आगे 2024 के चुनाव पर भी पड़ेगा, तो उसको लेकर के भी इसमें मंथन होना है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं जो बीजेपी अपने मिशन को लेकर उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है चुनावी मिशन को लेकर, उन्हीं सब मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी और एक रणनीति पर मुहर लगाई जाएगी और उसी रणनीति को लेकर पार्टी यूपी में आगे बढ़ेगी। ठीक है विकास, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।